नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी विद राजवीर सर चैनल पर। तो आज हम आपको छूट प्रतिशत निकालना सिखाते हैं, भाई छूट कैसे निकालते हैं, भाई आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर छूट अगर देता है दुकानदार तो उसको हम छूट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उसका धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल आपको आसानी से समझाया जाएगा ताकि आप उसमें के लिए कन्फ्यूज न हो सके। तो हमने एक समझ लिया, यदि एक जींस के लिए 2500 रुपये की खरीदने पर 40% की छूट देता है, बताओ जींस का कितने रुपए देने होंगे, जींस के कितने रुपए देने होंगे। तो उसने जींस कितने रुपए में खरीदी, यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 2500 रुपये के अंदर खरीदी है, उसके ऊपर छूट कितनी देता है, 40% की छूट देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जींस के ऊपर अंकित मूल्य है ये, तो इसका हम लिखेंगे अंकित मूल्य, भाई इसके ऊपर लिखा होता है उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, ये हमारा है 2500 रुपये है। अब छूट कितनी देता है, ये छूट 40% होती है। अब प्रतिशत मीन क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूजन, प्रतिशत मीन होता है 100, मतलब 100 रुपये पर, 100 रुपये पर कितनी छूट है, 40 रुपये की छूट है, 100 रुपये पर 40 रुपये की छूट है। हम दो तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, या तो हम सीधे इसके साथ इसकी गुणा कर सकते हैं, या हम कैसे निकालेंगे, रुपये देने होंगे, तो इसमें रुपये देने होंगे या जींस के रुपए देने होंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, भाई प्रतिशत छूट कितनी है, तो हम 100 में से 40% घटा देते हैं तो कितना 60% बचेगा, भाई 60% हमें अदा करना पड़ेगा, तो इसका हम 60% निकाल लेते हैं। 60% इसका हम निकालेंगे तो 2500 हम क्या करेंगे, 2500 गुना 60% और बटे हम क्या रखेंगे इसके अंदर 100 रखेंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, 25 और 6 की गुणा कर देंगे, 25 का 150 और 0 की 0, तो हमें 1500 रुपये इसमें अदा करने पड़ेंगे। एक तरीके से तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीके से हम कैसे निकालेंगे, इसके साथ हम इसकी गुणा कर सकते हैं, जैसे कैसे करेंगे हम, 2500 गुना 40% दे रखा था इसके अंदर और बटे हम क्या रखेंगे इसके अंदर 100 रखेंगे, इसकी 2500 का 100 मतलब छूट कितनी आ जाएगी इसके ऊपर, 1000 रुपये की, तो छूट कितनी आएगी हमारी, छूट आएगी हमारे इसके ऊपर 1000 रुपये, तो वो 1000 रुपये हम 2500 रुपये में से घटा सकते हैं, तो वही 1500 रुपये हमारा आएगा। तो आशा है कि दोस्तों स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।